सबसे ज़्यादा समय हमको पहला स्कूल बनाने में लगे थे, 2 साल गोकुलपुरी में एक स्कूल खड़ा करने का जो काम था उसने सबसे ज़्यादा 2 वर्ष का समय, अब देखें तो तुलनात्मक रूप से 2 वर्ष का समय करीब लिया। लेकिन उसके आधार पर जब हमने जयपुर के 5-7 और स्लम्स में गए तो वो समय बहुत तुलनात्मक रूप से उसके सामने बहुत छोटा था और उस ढंग से, तो वो इट टुक 6 मंथ ऑलमोस्ट आई थिंक टू सेलेक्ट द टीचर्स, फिर उनकी ट्रेनिंग, फिर वो ट्रेनिंग का ही पार्ट था कि 6 महीने में आप कम्युनिटी में रहो, कम्युनिटी के साथ जाओ और उनके साथ ही स्कूल को इवॉल्व करो, जो वहाँ 2 साल में करीब हुआ था। तब से तो हमारी पहले तो ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग के बाद हमारी जब शुरुआत हुई तो मैं जुलाई से वहाँ भेजा था आमागढ़ में। तो आमागढ़ में भेजने से पहले थोड़ा तो मेरे में भी इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया था, क्योंकि बोध की जो ट्रेनिंग का देने का तरीका है ना वो इतना अच्छा है कि इतना परिवर्तन कर देता है बोध के जो पहले थी वो बाद में मैं नहीं रही। महिला ग्रुप को जोड़ा तो उन्होंने कहा दीदी ऐसा तो है, स्कूल तो बनने में बहुत टाइम लगेगा और सब लोग इकट्ठा होंगे, पैसा इकट्ठा होगा तो कोई बात, और ये अभी दूर दूर तक आपको सपने में भी मत सोचना कि जल्दी से इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप चाहते तो ना स्कूल चलाना, तो लोगों ने कहा स्कूल चलाना चाहते। इनका ठीक है, अब आप जो जगह दे दोगे जहाँ आप बच्चे भेजोगे वहीं आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो क्या किया कि लोगों ने ये कहा कि एक कचरे का ढेर है ये पेट्रोल पंप के पीछे, इस कचरे के ढेर में आप पढ़ा लोगे क्या? मैंने कहा आपके लिए मैं कुछ भी कर लूँगी, ठीक है कचरे के ढेर में पढ़ा लूँगी, पर आप ये है कि आपके बच्चे बैठ जाएंगे क्या? बोला ठीक है दीदी बैठ तो जाएंगे, पर ये ऐसा है कचरा तो उठवाओ कम से कम। तो 2-2 रुपये इकट्ठा करके एक कचरे के, महिलाओं से 2-2 रुपये इकट्ठा करके आज से 22 साल पहले 60 रुपये में उस कचरे को उठाया। उठाने के बाद एंट्री थे कुछ लोग वहाँ, भाई ये बच्चे यहाँ नहीं बैठे, तो मैंने ये देखा ये बैठने नहीं देते मुझे, कोई बात नहीं है। तो मैं बच्चों को इकट्ठा करती लाइन लगा करके, 2-2 बच्चे सब घरों से जिनके बच्चे छोटे छोटे थे पढ़ने नहीं जाते थे उनको लाइन लगा के खेल एक्टिविटी करवाती, रेलगाड़ी मेरा नाम, छुप छुप करना मेरा काम, उसके अंदर हर घर से 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे जुड़ते जाते और रेलगाड़ी हमारी बहुत बड़ी बन जाती। और जहाँ लगता है बच्चा अभी मुँह हाथ धोने में देर लगा रहा है वहीं हम बैठ करके थोड़ी 1-2 कविता गा लेते, फिर लगता है कि और देर हो रही है तो एक गेम खेल लेते, फिर उसमें बच्चे जुड़ जाता, फिर हम रेलगाड़ी मेरा नाम, छुक छुक करना मेरा काम, पूरी कोर्ट से लेकर के पूरे भैया भाई के पास एक गुड लक स्कूल है वहाँ तक हम पूरी रेलगाड़ी चलाते 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 बच्चे जोड़ जोड़ के ले आते, और मेन रोड पे, क्योंकि वहाँ तो वो कचरा वापस फेंक दिए, तो मेन रोड पे हम बैठ करके बच्चों के साथ गेम खेलती, मैं खाती चिड़ा खेल लिया, कभी कविता गा ली, कभी कुछ एक्टिविटी कर ली, क्योंकि एक्टिविटियों के बारे में मैं पहले बता चुकी थी कि बस्ती के लोगों को इकट्ठा करके कि बोध की एक्टिविटी ऐसी है कि खेल खेल में वो बच्चों को सिखाता है, बच्चों को आगे बढ़ाता है, तो हमारी जो भी एक्टिविटी होगी बच्चों को खेलना होगा, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ भी नहीं। और मैं मेन रोड के ऊपर बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ गेम वेम करवाती, लोग वहाँ देखने आते, तमाशा हो जाता उनके लिए, तो भाई ये भी कोई स्कूल है शायद। उसके बाद इन लोगों ने इकट्ठा करके और एक मीटिंग की, हमने 200-250 लोगों की मीटिंग की, और जब भी मीटिंग होती थी हमारे 100, 200, 150, 200, 250 लोग आते थे, और वहाँ लोगों ने मुझे इतना परमिशन दे दिया था कि आप दीदी सड़क पे नहीं मस्जिद में कर लो, मस्जिद में जबकि औरतें नहीं जाती, लेकिन मुझे तो मस्जिद में जाने के लिए भी, ऐलान करने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए भी सब अलाउ कर दिया मुझे, जबकि उनकी महिलाएं नहीं जाती है, और मैं हिंदू लड़की वह मस्जिद में जाती ऐलान करती कि नमाज के बाद सभी नमाजी यहाँ रुक जाए मैं मीटिंग करूँगी, और वहाँ लोग मीटिंग के अंदर लोग आते बात सुनते और पूरे मेरे साथ ऐसे जुड़ते कि हमें कुछ करना है। बोधशाला का जो पहला एक टीचर यहाँ पे आया था, सुमन जी नाम थी उनकी,
तो वो बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश में थी। यहाँ कच्ची बस्ती थी, लोग बाग पढ़ाई से बहुत कोसों दूर थे। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उस टाइम पूछा, भाई ये क्या है, क्या करना चाहते हो आप? बोले भाई आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम आए। तो बोले आपका कोई लालच होगा, कितने दिन तक पढ़ाओगे? हमारे पास तो रहने की जगह नहीं है, पढ़ाने की जगह कहाँ देंगे? तो अपनी मेहनत करती रही वो, औरतों को समझाया, काफ़ी कुछ करा। योगेंद्र सर ने बहुत मेहनत करी इसके लिए। जब गवर्नमेंट ही नहीं सोच रही, कोई और ही नहीं सोच रहा, तो इनको क्या ज़रूरत है कि ना तो ये पैसे ले रहे और हमारे बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। और सुबह ही आ जाते हैं, बच्चे अगर गंदे भी हैं तो मुंह भी धुलाते हैं उनका, और बोले खिलाते हैं, तो पढ़ाते क्या हैं, खेल खेल सिखाते हैं। बजाते खुद बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया तो ये सोच के पढ़ाया, जो मेरे जीवन में कमियाँ रह गई हैं, जो काम मैं नहीं कर सका, कम से कम वो दिक्कतें मेरे बच्चों के आगे नहीं आनी चाहिए। शुरू से जब से ये स्कूल बना है और जब से स्कूल से जुड़े हुए हैं हम लोग, और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं हम यहाँ आमागढ़ में, 73-74 से हम यहाँ रह रहे हैं शुरू से ही। और स्कूल बनाने में भी हमारे को बहुत दिक्कतें आई, कई किस्म की दिक्कतें आई हैं कि स्कूल बनने नहीं दिया। हम लोग थाने तक में भी गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे को मतलब काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन हम लोगों ने जैसे बस्ती वालों ने मिल करके बहुत इसमें थोड़ा वो किया मतलब, और शुरू से ही स्कूल में जुड़े हुए हैं हम लोग। बोध शिक्षा समिति आज जो आपको दिख रही है, उस दौर में मुझे ऐसा कुछ नहीं था इन लोगों के पास। इन लोगों के पास कोई आर्थिक उस तरह का कुछ नहीं था, केवल ये लोग अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत संसाधनों के माध्यम से इस संस्था को चलाते थे, या नाम मात्र का इनके पास पैसा हुआ करता था। तो उस दौर में पैसा भी आपको ज़रूरत होती है जब वहाँ पे स्कूल बनाने के लिए, तो लोगों से संपर्क किया तो किसी ने 5 रुपया चंदा देने की बात कही। आज हो सकता है आज 5 रुपया वैसा लगता है कि भाई कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन उस दौर में 5-5 रुपये इकट्ठे करके भी हम लोगों ने चंदे की व्यवस्था करके एक स्कूल को बनाने की कोशिश की। औरतों के जुड़ने से ये बदलाव आया। हम लोग घर घर गए, हमने सबसे कहा क्या नाम से बच्चों को भिजाओ। किसी ने तो कहा हम नहीं भिजाएंगे, किसी ने कहा हम भिजाएंगे। हमने लोगों के नोरे खाए कि भाई अपने बच्चे अच्छी उसमें बैठेंगे, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा उनका माहौल बदलेगा। फिर सब किसी ने भिजाया, किसी ने नहीं भिजाया, फिर हमने ज़बरदस्ती कर करके भिजाया। हमने अपने घर में क्लास लगवाई, हमने अपने घर में क्लास लगवाई है 1 साल तक। हमारे सुमन ने बहुत कोशिश करी, सुमन ने पढ़ाया, लेट हुई, हम उनको घर छोड़ छोड़ के आए, खुद हम छोड़ छोड़ के आए। उनकी मम्मी पापा से कही ऐसी आपकी बच्ची वैसी हमारी बच्ची, हम उसका साथ दिया बहुत ज़्यादा, और उसने इतनी मेहनत करी, फिर ये सब लोग आए, आगे बढ़ता गया हमारा स्कूल, हम खुश होते गए। बच्चों को कैसे जोड़ना है, क्या करना है, बच्चों को तक कैसे बात पहुंचानी है, संपर्क कैसे करना है, तो वो घर घर में जाके बस्ती में जाके संपर्क किए और उनको समझाने की कोशिश की। फिर उसी में मेला समूह जोड़ा हमने। मेला समूह में 50 औरतें थी, पहले तो 10-5 ही हुई, फिर बाद में 50 करीब बढ़ती चली गई। फिर हमें लगा एक मेला समूह भी लगाए, फिर मेला समूह लगाया, फिर लगा एक किशोरियों को भी जोड़े तो किशोरियों को भी जोड़ा, फिर लगा लड़कियों लड़कियों को औरतों को समझा रहे हैं तो लड़कों को भी जोड़े तो लड़कों का भी किया। तो उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था गली गली में, बच्चे बहुत साला के नाम से बहुत चलाने लगे थे, छोटी छोटी टीम छोटे छोटे बच्चों को लेकर। जैसे मैं गलियों में बैठती थी, मुझे देख के बच्चे भी वही काम करने लगे थे सारे, और वही गोला बनाया और वही उनको रंग वंग भरवाया, कुछ भी किया, गीत कविता की, जो भी किया, मिट्टी दे दी, मिट्टी में लड्डू वड्डू बनवा लिए, कुछ भी बनवा लिए, ऐसे करके बच्चों को टेकिल करके पूरी बस्ती टेकिल हो गई थी उस टाइम। तो बस्ती में घूमी हुई ना, तो उस समय उस दौरान हर एक महिला के मुँह से इसके अलावा कोई भी बात नहीं होती थी कि तू चली जा, और तू करके ही बोलते थे, तू चली जा, तू यहाँ नहीं आ, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, और हमें हमारे जो है आदमी वो रात को पीटेंगे।
तो हमारी जान के दुश्मन मत बन, ये उनके पहले शुरू शुरू में होते थे। पुरुषों से जब जब मिलते तो वो कहते तू यहाँ हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए क्यों आई है, हमारी कौम तो ऐसी ही रहेगी, इसी तरीके रहेगी, इनको पढ़ने लिखने से कोई वो नहीं है, वास्ता नहीं है, आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों के साथ काम शुरू करने से, कीर्तन कौर ही पहली महिला थी जिसने अपने घर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी झोपड़ी को खाली करके उसको सफाई करके वहाँ स्कूल चालू करने के लिए उसने, पर स्कूल ऐसे चालू नहीं हुआ। स्कूल चालू करने के लिए हमने बच्चे जहाँ जहाँ खेलते थे समूह में, हम उनके साथ खेलना शुरू कर दिया कि अब चलो खेलते हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो एक महिलाएं थी, क्योंकि वो हमेशा घर में रहती थी, दूसरे थे वो बच्चे, जिन बच्चों को शायद मुझ पर विश्वास हो जाए या संस्था पर विश्वास हो जाए या पढ़ाई लिखाई पर विश्वास हो जाए, उनका विश्वास कायम करने के लिए ये सारी चीज़ें होना। तो जहाँ जहाँ जिन जिन बच्चों में, जैसे चाहे वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल खेल रहे थे, कोई भी चीज़ खेल रहे थे, मैं उनके साथ वहाँ पर ग्रुप बना के खेलना शुरू किया। खेलने से उनको लगा अब तो ये मेरी है या हमारी है। और मेरे को, मेरे जैसे देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि इन सारी बस्तियों में विमेंस पावर का बहुत बड़ा रोल था, महिलाओं की शक्ति का बहुत बड़ा रोल था। और क्योंकि बच्चों की वेलफेयर की और एजुकेशन की बात सबसे ज़्यादा महिलाएं सोचती हैं, उसमें कुछ पुरुष साथ जुड़े, जैसे भागीरथी जी जुड़े या और भी पुरुष थे, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना कि एक इमोशनल फोर्स, जो रोज़ का घटना होता है कि बच्चों को बुला के लाना, बिठाना और बात करना और ये सब करना, ये सब महिलाओं ने किया। जैसे नई जगह थे कहीं भी, फिर हमने घरों में पढ़ाया सबके, जा जा के बोला, हाथ जोड़ के, भाई इनको पढ़ाओ, कहाँ पर बिठाओगे। फिर मैंने दिया अपना मकान, उसमें पढ़ाया मैं, महिला को ऊपर छत पर ले जाती थी, वहाँ उनको लिख के बताती थी, फिर बोर्ड में लिख देती थी, भाई ऐसे पढ़ो, थोड़ा जितना आए हमको, हम कह जाना पढ़ने, हमने कभी ज़िंदगी में पढ़े नहीं, इधर आके पढ़े, सर ने पढ़ाया हमको। जब हमारे बस्ती में संपर्क आया, उन्होंने लगा, जैसे कुसुम दीदी होती थी पहला, सब पुराने सर थे जो पहले, वो संपर्क करते थे ऐसे करते हुए, तो उन्होंने एक महीने दो महीने उन्होंने संपर्क किया बस्ती से, व्यवहार बनाया उन्होंने, व्यवहार बनाकर उन्होंने थोड़ी सी मीटिंग कर बस्ती में जगह के लिए मांगी, एक जगह कुछ दे दो, हम कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसे करते। तो पहले तो बोले बस्ती में जगह तो है नहीं है सर, हमारे पास तो ये कच्ची ये रोड है, इस रोड के ऊपर पढ़ा सको तो पढ़ा लो, जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा हम रोड पे भी पढ़ा लेंगे, पर हमें कोई सामान, जैसे कोई खिलौने उलौने बच्चों को कोई सामान सामग्री वो रखने के लिए थोड़ी हमें जगह मिले। हम लोगों ने जब काम, ये सब इनफॉर्मल था, कोई भी फॉर्मल इसमें नहीं था, जब एक लगा कि विश्वास जम गया है, फिर उस झोपड़ी में हमने काम शुरू किया। और उसके बाद में जब उद्घाटन उसका होने लगा, लगभग 2-3 महीने बाद उसका उद्घाटन हुआ उस स्कूल का, तो उन्होंने अपना पूरा गुरुद्वारा जो है उसमें दिया, और उस दिन बच्चों का इनरोलमेंट हुआ 105 पहली बार गुरु तेग में। फिर धीरे धीरे वो तो बहुत विकसित होता गया अपने तरीके से, और उसी का नतीजा था शायद बहुत लंबे समय तक का गुरु तेग के, मैं स्कूल नहीं होने के, अपनी बिल्डिंग नहीं होने के बावजूद हर एक घर में वहाँ पे समूह चला करते थे। हर एक घर में से मतलब यह है कि हर दूसरे तीसरे घर में एक समूह चलता था, महिलाएं साफ कर देती थी सारा अपना चूल्हा चौका सुबह करने के बाद में, वहाँ पे आप समूह लगाने के लिए। तो एक बहुत ज़्यादा ओपननेस उससे मिली समुदाय को, और हमको भी समझने में मदद मिली कि एक स्कूल का अगर पूरा ढांचा न भी हो तो भी स्कूल बहुत अच्छी तरीके से संचालित की जा सकते हैं। एक ये जो हमें अभी और आज भी अगर हम देखें कि हमारा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं, तो उसमें बहुत वेल एजुकेशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो वो खुले में भी हम बिना सामग्री के भी सामग्री का जुगाड़ करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन ये बोध ही एक ऐसा है जो टिका इतने सालों तक, अभी तक वहाँ इस बोध गुरु तेग में काम कर रहा है ना। तो बहुत सारे लोग आए बताए, मम्मी बताती हैं, लोग बताते हैं, यहाँ पे खूब सारे लोग आए, बच्चों को पढ़ाया कुछ महीने, 1 महीने 2 महीने ऐसे पढ़ाया और चल दिए। बोले यहाँ की बस्ती तो बहुत बेकार है, यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ सकते, कंट्रोल में नहीं हो सकते। लेकिन सर की बहुत ही बड़ी एक चुनौती है या उपलब्धि है हमारे लिए, तो जो कि वहाँ तक हमको यहाँ तक पढ़ाया सर। अगर सर बोधशाला नहीं होती तो फिर पढ़ने का कोई सीन ही नहीं बनता, कोई रीज़न ही नहीं रहता। पेरेंट्स को तो पता था कि हाँ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पापा ने 19 कुछ ऐसे समय में पढ़ाई की थी, 9th तक पढ़ाई की थी पापा ने। 10वीं के एग्ज़ाम दे रहे थे जब, तो पापा के, मेरे ग्रैंड फादर है ना, उनकी डेट हो गई थी, तो उस चक्कर से मेरे पापा ने
एग्ज़ाम नहीं दिए थे। फिर उसके अलावा फिर मेरे पापा ने प्राइवेट दी, प्राइवेट में फेल हो गए, तो फिर पापा का तालमेल पढ़ाई पर नहीं बैठ पाया, तो पापा ने फिर पढ़ाई भी नहीं करी। फिर मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे पापा की शादी यहाँ पर कर दी, तो फिर मेरे पापा को वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगने लग गया, क्योंकि मेरे ग्रैंड फादर चले गए थे, तो मेरे पापा सारे यहाँ आप सबको यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे भोजशाला में जब शुरू हुई ना, तो पापा ने यहाँ पे पढ़ाई भी करवाई थी भोजशाला में, तो पापा को पढ़ाई का बहुत महत्व पता था। पढ़ाई अगर पढ़ाई है तो सब कुछ है, अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पापा ने एक ही बात बचपन से सिखाई, बेटा अगर तुम पढ़ोगे, कुछ समझोगे, समय के साथ चलोगे, अगर पढ़ाई को महत्व दोगे, तब जाके तुम्हारे को महत्व मिलेगा, नहीं अगर आज भी तुम्हें भी कोई नहीं जानता और हमें भी कोई नहीं जानता। रामदेव नगर में एक स्थिति थी कि कुछ बच्चे ऐसे थे और फैमिलीज भी ऐसी थी जो उनका पलायन बहुत होता था। वो इस तरह के थे ज़्यादातर, जो जहाँ उनको काम मिल जाए वहीं चले जाना, और ज़्यादातर सांसी, कंजर, कालबेली ऐसे लोग थे। उस स्कूल की एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कुछ बच्चे रुकते नहीं थे, और ये मान लिया गया था कभी ये बच्चे नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ इत्तफाक है, मुझे भी नहीं मालूम है मैंने क्या एफर्ट्स किए कि वो बच्चे रेगुलर आने लग गए। तो वो जो भी जैसे भी चीज़ देते थे वो हम लोग ले लेते थे, वहीं उनके साथ बैठ के खाना वाना भी खाते थे, बातचीत भी करते महिलाएं और पुरुष उन सब लोगों से। तो वो जो बातचीत जो था उनसे, जो रिलेशन जो बना, तो वो जो बातचीत और उनकी स्थितियों को जानना, वो कहाँ से आए, यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, वो बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं और कहाँ तक बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके की बातें वो सोचते हैं कि बच्चे आके स्कूल में सीखे, और तो वो एक तरीके से केवल बच्चों को स्कूल भेजते यहाँ तक सीमित ना हो के उनके फैमिली के सिचुएशन को जानना, समझना, उनसे एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, एक तरीके से वो बातचीत से हम लोग कर पाए। और उससे बहुत जो बड़ी बात जो है वो मुझे समझ में आए कि इस तरीके की जो लोग हैं वो गांवों से या अलग अलग जगहों से आते हैं काम के तलाश में, यहाँ पे आके मिनिमम जो सुविधाएं हैं और उसमें रहते हैं, तो भी वो लोग भी अपनी बच्चे की पढ़ाई के बारे में उनका अपना एक सरोकार है, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, वो बच्चे वो काम नहीं करे जो अब ये लोग करते हैं, इस तरीके की एक दिल में एक, जैसा कि दो चीज़ें मैं इस संदर्भ में बहुत बिल्कुल अगर कॉन्क्रीट से बात शुरू करें तो जो दो बातें बहुत समझ में आती हैं कि हर समुदाय की अपनी कहानी रही, पर दिशा कहीं ना कहीं एक थी, और दूसरी बात कैसे बोध और बोध में काम करने वाले लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहे।